नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एमस्टॉक एप्लीकेशन को किस तरीके से रेफ़र करके पैसे कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आपको किस तरीके से एमस्टॉक एप्लीकेशन को रेफ़र करना है, और रेफ़र करने पर आपको पर रेफ़र 555 रुपये मिल सकते हैं। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आप किस तरीके से एमस्टॉक एप्लीकेशन को रेफ़र करके पर रेफ़र 555 रुपये कमा सकते हैं। तो अगर आप एमस्टॉक एप्लीकेशन से रेफ़र करके पैसे कमाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपका एक अकाउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एमस्टॉक एप्लीकेशन के अंदर। अगर आपका पहले से ही एमस्टॉक एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट बनाया रखा हुआ है, फिर तो कोई बात नहीं है। पर लेकिन अगर आपका अकाउंट इस एप्लीकेशन के अंदर नहीं है, तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो अकाउंट क्रिएट करने पर आपको कौन कौन से चार्ज देने पड़ेंगे, सबसे पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं मैंने एमस्टॉक की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर ली है। तो यहाँ पर अगर आप इसके अंदर अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, डीमार्ट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन है वो तो ये है कि आप 999 रुपये देकर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, यहाँ पर आपको जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप 0 रुपये देकर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, यहाँ पर आपको ब्रोकरेज चार्जेस देने पड़ेंगे। तो अगर आप रेफ़र एंड अर्न करके पैसे कमाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर ज़ीरो वाला प्लान सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको 999 रुपये देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें रेफ़र एंड अर्न करके पैसे कमाने हैं, तो इसके लिए आपको मतलब 0 रुपये देकर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप अगर 0 रुपये देकर अपना अकाउंट ओपन करवा लेते हैं, तो इसमें तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। पर लेकिन इसके साथ साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको AMC चार्ज देना पड़ेगा। अब जैसे कि AMC चार्ज क्या होता है, ये होता है अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज। अगर आप एमस्टॉक एप्लीकेशन की मदद से रेफर एंड अर्न करके पैसे कमाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज देना पड़ेगा जो कि जीरो है, और अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज भी देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज आपको कितना देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में भी आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो आप 999 रुपये देकर अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज लाइफ टाइम के लिए फ्री कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन यह है कि आप हर 3 महीने में एक बार 120 रुपये प्लस GST दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में दो ऑप्शन दिए जाते हैं, एक तो 999 रुपये वाला प्लान दिया जाता है लाइफ टाइम के लिए, बिल्कुल अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज फ्री हो जाएगा, और दूसरा ऑप्शन दिया जाता है 120 रुपये 3 महीने में एक बार देना पड़ेगा, 120 रुपये प्लस GST। तो ये आपके ऊपर है कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में आपको कौन सा प्लान सेलेक्ट करना है। तो अगर आप रेफर एंड अर्न करना चाहते हैं, तो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि लोग नहीं बताते हैं। अगर आप अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज में 999 रुपये वाला प्लान चूज़ करते हैं, फिर तो आपको कोई अलग से चार्ज वगैरह नहीं देना है। पर लेकिन अगर आप यह 120 रुपये वाला प्लान चूज़ करते हैं, 120 रुपये एवरी क्वार्टर एस AMC, यानी कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में आपको 3 महीने में 120 रुपये देने पड़ेंगे, पर लेकिन इसके साथ साथ आपको 99 रुपये भी देने पड़ेंगे ऑपरेटिंग चार्जेस के रूप में, जिसको मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है क्वार्टरली ऑपरेटिंग चार्जेस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, 99 रुपीज़ प्लस 18% GST पर क्वार्टर फॉर क्लाइंट अंडर द स्टैंडर्ड क्वार्टरली AMC प्लान। यानी कि आपको 99 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा अगर आप क्वार्टरली वाला प्लान चूज़ करते हैं AMC में, यानी अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस में। अभी आप सेकंड लाइन पढ़ सकते हैं, जो सेकंड वाली दे रखी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नो ऑपरेटिंग चार्ज विल बी एप्लीकेबल फॉर क्लाइंट अंडर द लाइफ टाइम फ्री AMC प्लान। तो यानी सीधा सीधा सा इसका यही मतलब है कि आपको अगर आपने क्वार्टरली वाला प्लान सेलेक्ट किया है, तो उसके लिए उसमें आपको 99 रुपये प्लस GST भी देना पड़ेगा। अगर आप 999 रुपये वाला फ्री जो लाइफ टाइम वाला प्लान है उसे चूज़ करते हैं, तो आपको कोई भी ऑपरेटिंग चार्ज नहीं देना है। तो मैं आपको ऊपर ले जाके एक बार समझा देता हूँ अच्छे से। यानी कि यहाँ पर जो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज वाला प्लान था, ये नीचे वाला, अगर आप इसको चूज़ करते हैं 120 रुपये वाले को, तो इसके साथ साथ आपको 99 रुपये भी देना पड़ेगा 3 महीने में एक बार। तो ये कुछ हो जाते हैं 220 रुपये
हर 3 महीने में आपको 220 रुपये देने पड़ेंगे। तो अगर आप अपना अकाउंट एम स्टॉक के अंदर ओपन कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में कितना क्या पैसा देना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ आ गया होगा कि अकाउंट ओपनिंग चार्ज और अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज हमें कितना क्या देना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि चलिए मान लीजिए कि आपने अपना अकाउंट ओपन कर लिया है और आपने अपना अकाउंट ओपनिंग चार्ज भी दे दिया जो कि 0 रुपये है और आपने अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज भी दे दिया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको रेफर एंड अर्न करके आप किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है अर्न 555 एवरी टाइम योर रेफर्ड फ्रेंड ओपन अ 0 ब्रोकरेज अकाउंट। अब यहाँ पर भी एक टर्म एंड कंडीशन है कि अगर जो आप लिंक किसी फ्रेंड वगैरह को शेयर करते हैं तो उस फ्रेंड को मतलब कि 0 ब्रोकरेज वाला अकाउंट ओपन करवाना है तभी आपको मतलब कि 555 रुपये मिलेंगे, जिसको मैं अभी विस्तार से समझाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है गारंटीड रेफरल पे आउट विद इन 24 आवर्स ऑफ अकाउंट ओपनिंग बाय द रेफर, ठीक है। यानी कि जिसको भी आपने रेफ़र किया है ना, उस अगर वो आप अपना अकाउंट ओपन करवा लेता है आपके लिंक के थ्रू तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपके जो रेफ़र के पैसे हैं वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अब यहाँ पर सेकेंड लाइन हम पढ़ते हैं 0 ब्रोकरेज फॉर लाइफ अक्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मतलब कि वो दे रखे हैं कि जो जिसको भी आप रेफ़र कराएंगे तो उसको क्या क्या चीज़ें सुविधा वगैरह मिलेंगी, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर दे रखा है कि अगर एक रेफर करते हैं तो कितने रुपए मिलेंगे, 5 रेफर पे कितने रुपए मिलेंगे, 10 रेफर पे कितने रुपए मिलेंगे, 20 पे कितने क्या रुपए मिलेंगे, तो यहाँ पर सारी डिटेल दे रखी है। अब यहाँ पर आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ हाउ रेफर एंड अर्न वर्क, ठीक है। ओपन एंड एम स्टॉक अकाउंट, यानी कि सबसे पहले हमको एम स्टॉक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करना है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि अकाउंट ओपनिंग चार्ज कितना देना है और अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज कितना देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, रेफर फ्रेंड्स एंड लव्ड वन टू एम स्टॉक, यानी कि आपको कुल मिला के अपने फ्रेंड को रेफ़र करना है। आपको शेयर बटन दे दिया जाएगा एम स्टॉक के अंदर, तो आपको अपने फ्रेंड को शेयर करना है व्हाट्सएप पे कहीं पे भी, तो आपके फ्रेंड को आपके लिंक पर क्लिक करके एम स्टॉक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जो आपका दोस्त है जिसको भी आप शेयर करेंगे उसको 999 रुपये वाला प्लान सेलेक्ट करना है और उससे अपना अकाउंट ओपन करना है। जैसे कि अभी हमने अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में बात की थी, तो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो आप 999 रुपये देकर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं या फिर आप फ्री में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो जिस फ्रेंड को आप रेफ़र कर रहे हैं, जिस भी इंसान को, अगर वह आपका जो आपके लिंक से क्लिक करके अकाउंट ओपन करवाता है, अगर वो 0 रुपये देकर अपना अकाउंट ओपन करवाएगा ना, तो आपको 1 भी रुपये रेफर के रूप में नहीं मिलेगा। तो उसको 999 रुपये देकर अपना अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, तभी आपको जो रेफर वाले पैसे हैं आपके अकाउंट में आएंगे। ये वही चीज़ यहाँ पर आपको समझाई जा रही है कि योर रेफर्ड फ्रेंड ओपन 999 ब्रोकरेज अकाउंट, यानी कि वो अगर 999 रुपये वाला अकाउंट ओपन करवाता है तो रेफरल रिवॉर्ड ऑफ 555 विल बी क्रेडिट इन योर एम स्टॉक अकाउंट विद इन 24 आवर्स। तो कुल मिला के इसका यही कहना है कि आप जिसको भी रेफ़र कर रहे हैं वो उसको 999 रुपये वाला प्लान से अपना अकाउंट ओपन करवाना है। अगर वो 999 रुपये वाले प्लान से अपना अकाउंट ओपन करवाता है तो आपको 555 रुपये रेफ़र के रूप में मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब बहुत सारी एप्लीकेशन में क्या रहता है कि उसमें लिमिट दी जाती है कि आप इतने ही लोगों को मतलब कि रेफ़र कर सकते हैं, तो एक बार हम लिमिट के बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो लिमिट का क्वेश्चन था वो ये रहा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ है इज़ देयर एनी लिमिट ऑन द नंबर ऑफ फ्रेंड्स दैट कैन आई रेफ़र, यानी कि हम जिन लोगों को रेफ़र करेंगे तो इसकी कोई लिमिट वगैरह है क्या। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एब्सोल्युटली नॉट, यू कैन रेफ़र अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स एंड लव्ड वन टू आर 0 ब्रोकरेज अकाउंट, यानी कि आप अनलिमिटेड लोगों को रेफ़र कर सकते हैं, पर लेकिन अगर जो जिन लोगों को आप रेफ़र करवाएंगे वो अगर 999 रुपये वाले प्लान से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तभी आपको जो रेफरल अमाउंट है वो मिलेगा। तो कुल मिलाकर यही है कि आप उन लोगों को शेयर करें यह एप्लीकेशन जो जिन लोगों को मतलब कि ट्रेडिंग वगैरह करना हो या फिर शेयर मार्केट में इंटरेस्ट हो, तभी वो 999 रुपये वाले प्लान से अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और तभी आपको पर रेफर
₹555 मिल पाएंगे। तो जितना आसान आपको लग रहा था सुनने में, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यह उतना आसान नहीं है। आप सोच रहे हैं कि हमें पर रेफर ₹555 मिल जाएंगे, तो यह तो सच है कि आपको ₹555 मिल जाएंगे, पर लेकिन जो उसकी टर्म एंड कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसको फुलफिल करने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आ सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में यह समझ आ गया होगा कि आप एमस्टॉक एप्लीकेशन की मदद से किस तरीके से रेफर एंड अर्न करके पैसे कमा सकते हैं। तो यह इतना आसान नहीं है, पर लेकिन आप पैसे कमा सकते हैं जिस कंडीशन में मैंने आपको बताया, बस आपको उस कंडीशन को फुलफिल करना है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप शेयर मार्केट के बारे में या फिर रेफर एंड अर्न के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोज़ नज़र आ रही होंगी, आप उन वीडियोज़ पर क्लिक करके और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।